ये एक ओपन सीक्रेट है इस मामले में, आप क्योंकि सियासत की गलियारों में दो नाम बहुत चर्चा में रहते हैं हमेशा, एक एपी पाटिल है, एक बसनगौड़ा पाटिल है, और ये दोनों की मिली जुली बसनगौड़ा एपी पाटिल दोनों डिसाइड कर लेंगे कि एक ऐसा कैंडिडेट जो डमी कैंडिडेट है उसे टिकट देंगे और उसके साथ में इलेक्शन कंटेस्ट करके और फिर से एमएलए बने। मतलब मानो कि लीडरशिप पूरी इसमें बीजापुर में खत्म कर दी गई है। इसमें बहुत सारे हमारे लीडरों की भी गलती है, हमारे जिम्मेदारों। आज हमारे साथ अजीम ईरानदार जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अजीम भाई, सियासी गलियारों में ये बात चल रही है कि बीजापुर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल लखनाल माइनॉरिटी का टिकट जिसको चाहते हैं उसी को होता है, इस पर आपकी क्या राय है? ये एक ओपन सीक्रेट है इस मामले में। आप बीजापुर के किसी भी एक छोटे फल को भी अगर आप पूछेंगे तो शायद वो बहुत आसानी से बता देगा, क्योंकि बीजापुर की सियासत की गलियारों में दो नाम बहुत चर्चा में रहते हैं हमेशा, एक एपी पाटिल है, एक बसनगौड़ा पाटिल है, और ये दोनों की मिली जुली सरकार है। अगर वो बीजेपी में है या कांग्रेस में है तो कांग्रेस के थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट में आपको कहाँ से कौन सी किस कैंडिडेट को कौन सी टिकट देना है एपी पाटिल आराम से मैनेज करते हैं, और किसको जिताना है किसको हराना है वो भी चीज़ें वो मैनेज कर लेते हैं। रहा सवाल बीजापुर का, बीजापुर के पिछले इलेक्शनों में भी हमने देखा है कि बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल का जो पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ था उसको बचाने वाला कौन है, उनको चुनकर लाने वाला कौन है, उन्हें एमएलसी बनाने वाला कौन है, ये सारे बीजापुर की आवाम को पता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजापुर का अगर कोई स्ट्रांग कैंडिडेट अगर बीजापुर का कोई है तो उससे टिकट देने से बसनगौड़ा हार रहे हैं, तो वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि एक ऐसे डमी कैंडिडेट को हम लोग टिकट देंगे जो इलेक्शन तो कंटेस्ट करे और मुसलमानों को कौम के नाम पे एक किया जाए, लेकिन वो विनिंग मार्जिन जो है वो रीच ना हो। इसीलिए जो है बसनगौड़ा एमपी पाटिल दोनों डिसाइड कर लेंगे कि एक ऐसा कैंडिडेट जो डमी कैंडिडेट है उसे टिकट देंगे और उसके साथ में इलेक्शन कंटेस्ट करके फिर से एमएलए बनेंगे। ये कोई नई बात नहीं है बीजापुर के लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल 10 सालों में बनाया गया है, एक नए कैंडिडेट को चेहरा बनाया जाता है, फिर बाद में इलेक्शन जीतने के बाद में दूसरे को कैंडिडेट बनाया जाता है, ये चीज़ें जो है क्यों होती हैं क्या होती हैं ये मुझे बोलने से बेहतर है बीजापुर की सारी आवाम को मालूम है। तो ये भी इलेक्शन देखने वाला लायक होगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी, ये आप सभी लोगों के सामने आएंगी। कांग्रेस पार्टी में 27 लोग जो टिकट के लिए आकांक्षी बने हुए हैं, ये इतने लोगों के टिकट मांगने की वजह? सबसे बड़ी बदनसीबी बीजापुर के लिए यही है कि बीजापुर में जो एक मुस्लिम डोमिनेंसी जहां पे हम लोग मानते हैं वहां पे लीडर्स की भी डोमिनेंसी बताई जा रही है। क्यों बताई जा रही है? क्योंकि इस पार्टी में मुसलमानों की लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आप देखिए, एक पार्टी में इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी एक पार्टी में, नेशनल पार्टी में 27 एस्पिरेंट्स नहीं है। ये 27 एस्पिरेंट्स क्यों बने गए हैं? क्योंकि एमपी पाटिल को पता है अगर ये 27 लोगों को मतलब आजादी दी जाए, ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, तो ये लोग टिकट एस्पिरेंट्स होंगे, उसके बाद में बहुत सारे लोग विरोध भी करेंगे। ये एक पॉलिटिकल एक स्ट्रेटेजी है एक रूलिंग एमएलए को कंटिन्यू करने के लिए। और एक बहुत अच्छा सवाल आपके इसमें मुझे जहन में आया है, एमपी पाटिल साहब का एक रिसेंटली मैं इंटरव्यू सुना था, उसमें कहा था कि मैं मुसलमानों को ही टिकट दूंगा, मैं मुसलमान को एक एमएलए बनाऊंगा, मैं मेरे वालिद जो है बख्शी साहब को इनको टिकट दे, मैं मकबूल बागवान को फिर उस्ताद को ये टिकट दे, बहुत अच्छी सी बात की है। आपको ये चीजों का थोड़ा सा उसे खंगाल के देखना होगा कि एमपी पाटिल साहब को क्या ऐसी मजबूरी आई कि वो ब्रीफ एक्सप्लेन करना पड़ा, मुसलमानों के लिए जो अपने काम किए हैं वो बताना पड़ा। एक शख्स या दो शख्सों ने उन पे सवाल किए तो बौखला के जो है मुसलमानों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए सारी तहरीरी शक्ल में इन्होंने बातें कही हैं। अगर सच में ये मुसलमानों के खैरफा हैं, मुसलमानों का अगर लीडर बनाना चाहते हैं तो एक काम करें कि कल के कल ये 27 लोग या 26 लोग जो मुस्लिम हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको सारे लोगों को बुलाए, अपने घर में बुलाकर एक नाम डिक्लेयर कर दें, हमीद मुशरिफ बोलो, मकबूल बागवान बोलो, कादरी वकील बोलो, काने बोलो, ये इनके ऊपर है, ये मेरे ऊपर नहीं है, ये डिसाइड करें और एक का नाम डिक्लेयर करें और सारे 26 लोगों को जो है क्लब कर दें। वो कौन एमपी पाटिल के पूरे फॉलोअर्स हैं और इनको किसने ग्रीन सिग्नल दिया है, किसने बताया है कि आप टिकट के लिए मतलब
आप फॉर्म भर के दो, मैं आपको ये कहता हूँ, और किसी भी एक लीडर को आप पूछ लो जो एस्पिरेंट है, वो आपको हंसते हंसते बोल देगा नहीं मेरा टिकट हो गया, मैं फाइनल हुआ हूँ। तो ये किसने इनमें उम्मीद जगाई है? ये जो एक झूठ का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये एक बहुत आसानी से बनाया जाता है, और इसमें हमारे लोग जो है बहुत बेवकूफ हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। ये चीजों को हम लोगों को समझना होगा। ये अगर मुसलमानों के सच में खैरख्वाह हैं, मुसलमानों के लिए इनके अंदर हमदर्दी है, तो ये चीजों को क्यों मतलब ब्रीफ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है? ठीक है, आप एक काम कीजिए, कल सारे लोगों को बुलाइए, बुला के डिक्लेयर कीजिए, उसके बाद में सारे लोगों के हाथ से इलेक्शन का काम कराइए। ये हर बार होता है, पिछली बार 22 लोग थे, इस बार 27 लोग हैं। अगली बार अगर वो 5,000-10,000 रुपए अगर टिकट एस्पिरेंट्स के लिए, अगर डीडी का अगर ये रहता, तो शायद 50-100 एस्पिरेंट्स होते, क्योंकि मुसलमानों की लीडरशिप पूरी इसमें बीजापुर में खत्म कर दी गई है। इसमें बहुत सारे हमारे लीडरों की भी गलती है, हमारे जिम्मेदारों की गलती है। हमारे जिम्मेदार जो है इलेक्शन आने के बाद में कौम के नाम पे हमें जोड़ते हैं, कौम के मसाइल में वो उठते नहीं, वो कौम के मसाइल में वो एक दूसरे की मदद नहीं करते, और मुसलमानों को जोड़ने में इनका कोई रोल नहीं है। तो आने वाले इलेक्शन में हम लोगों को देखना होगा कि इस बार किसका मतलब कार निकलता है, किसका लक चलता है, और एमपी पाटिल साहब किसको खुश करते हैं, और किसको जो है नहीं हरा कर उसको घर में बिठाते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी लोग हैं वो लोगों को समझना होगा कि किसको कौन ग्रीन सिग्नल दिया है, और कौन हमें इतना लंबा इस दौड़ से आगे लेकर जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, देखेंगे क्या होता है। कांग्रेस पार्टी क्या कौम को माइनॉरिटी टिकट के नाम पे गुमराह कर रही है? पार्टी भी कर रही है, पार्टी के लीडरान भी कर रहे हैं। अगर मुसलमानों के लीडरों की अगर बात करें, तो वो 5 साल इलेक्शन के होने के बाद में वो कहां रहते पता नहीं। जब मुसलमानों के मसाइल आते हैं तो मुसलमानों के लीडर सबसे पहले जो है वो आगे नहीं रहते। इहानत रसूल का मामला होता है, हिजाब का मामला होता है, अजान का मामला होता है। आप पार्टी को बाद में ब्लेम करेंगे, पहले हमारे लीडर्स कहां पे रहते? हमारे लीडर्स जब ईडी की रेड होती है, सोनिया गांधी के ऊपर अगर कोई नोटिस सर्व कर रहे हैं, राहुल गांधी को कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर्स को कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहली कतार में रहते हैं ये लोगों की, इनके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में। लेकिन जब यही मामले मुसलमानों के साथ में होते हैं, तो बहुत गिने चुने जो है लीडर्स होते हैं जो ये लोगों में प्रोटेस्ट करने के लिए आगे आते हैं। तो ये लीडर्स की भी बहुत बड़ी एक ये है, उनको समझ नहीं है कि हमारे कौम के मसाइल में हम लोग खड़े होना, हम सिर्फ पार्टी के लिए खड़े होना, ये सारी चीजें जो है उनको समझना होगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस बार कौम के नाम पे लोग नहीं भटकेंगे, इस बार जो है कौम के नाम पे जो है लोग वोट करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि इस बार डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन होगा, और एक जयंती के नाम पे इलेक्शन होगा, लोगों की कामों के नाम पे जो है वोट होगा। इसीलिए जो है आने वाले इलेक्शन मेरे लिए मेरे नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग झूठ की बुनियाद पे जो है लोगों को लूटे हैं, 5 साल एमएलए बन के लूटे हैं, 5 साल डिफीट होने के बाद में लोगों के इसमें जो है पार्टी वालों ने लूटा है, इस इलेक्शन में सारी चीजें लोगों के सामने हकीकत के तरह आईना खुल के सामने आएगा। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में क्या आप एमएलए कॉन्टेस्ट करने वाले हैं? हाँ, इंशाल्लाह मैं कॉन्टेस्ट करूंगा। जो है बहुत लीडरों को मैंने देखा है, उन्होंने कौम के नाम पे भी लूटा है, उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे भी लूटा है, और पार्टी के नाम पे भी लूटा है। मैं उस पार्टी के खिलाफ भी करूंगा, उन लोगों के खिलाफ भी करूंगा, और जो भी मेरे सामने मतलब प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें मेरी ये हैं, उस बुनियाद पे मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। ये पार्टी आपने कोई दूसरी पार्टी से आप टिकट लेने वाले हैं? हाँ, मेरी कोशिश चल रही है, जो भी पार्टी है जो डेवलपमेंट के नाम पे या लोगों की मसाइल के नाम पे कोशिश कर रही है, जो लोगों को सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे याद नहीं करेगी, हर वक्त में उनके साथ में खड़ी होगी, उस पार्टी के साथ में इंशाल्लाह मैं कंटेस्ट करूंगा। अगर मैं पार्टी के साथ में भी नहीं कंटेस्ट कर रहा हूं, तो मैं इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह कंटेस्ट करने वाला ही हूं, क्योंकि जिस तरीके का रिवाज जो यहां पे बनाया गया है, पार्टी के नाम पे जो है लोगों से वोट मांगे जाते हैं, कौम के नाम पे मांगे जाते हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हमने दिखाया है, अभी आने वाले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस पार्टी को पता चले कि इन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है। इस 5 साल में बीजेपी के शासक बसवंतगौड़ा पाटिल यत्नाल साहब ने जो डेवलपमेंट किया, ये वाकई में डेवलपमेंट हुआ है या फिर हिंदुत्व के नाम पे अपने वार्डों में ही काम किया गया? डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से पूछ रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजापुर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुओं के हिस्से नहीं है। अगर वो सच में शहर के एमएलए होते, अगर वो शहर को डेवलप करते, तो मैं मानता कि वो एक बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन वो अपने हिस्सों में काम किए हैं, जिस तरीके की वो राजनीति करके यहाँ पे पावर में आए हैं,
उसे वो बरकरार रखे हुए हैं। अगर सच में वो इस शहर के एमएलए होते तो इसी रोड पे, जिस रोड पे आपकी ऑफिस है, जिस रोड से डीसी साहब चलते हैं, ऑफिस एसपी ऑफिस यहीं पे है, तो ये सारी चीजें जो है लोगों को पता चल रही हैं कि कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। तो मैं बसंतगढ़ एमएलए को जो है मैं बुरा भला नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्हें जिस तरीके की इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। अगर वो मुसलमानों के मोहल्लों को अगर वो डेवलप नहीं करेंगे तो मुसलमानों के लीडर्स, मुसलमानों के जो भी लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे? हमारे डिफीटेड कैंडिडेट के पास जाएंगे या फिर उसके बाद में एक बड़े बॉस हैं उनके पास जाएंगे? वो लोगों को आश्वासन देंगे, हाँ देखो इस बार इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में आप गलती किए हैं, इसके वजह से जो है ये डेवलपमेंट रुका हुआ है, तो इस नाम पे फिर लोगों को जोड़ा जाएगा, फिर जो है इलेक्शन को वन साइड किया जाएगा, हिंदू मुसलमान किया जाएगा, फिर वो बसंतगढ़ एमएलए बनेंगे, फिर वो अपने हिस्सों में डेवलप करेंगे, अपने मोहल्लों को डेवलप करेंगे, मुसलमानों के मोहल्ले वैसे के वैसे रह जाएंगे। बीजापुर के सियासी गलियारों में ये बात कही जाती है कि जितने भी पाटिल हैं उनके हाथ में ही माइनॉरिटी का टिकट है, जैसे कि चार पाटिल का नाम ज्यादा जोरों पे सुना जाता है, ये बात कहाँ तक सच है? हाँ, इससे पहले भी मैं बोला हूँ कि हम लोगों को डीसीसी का प्रेसिडेंट जो है 1949 से अब तक मुसलमानों का एक प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया है, तो इस मुहिम को जो है बीजापुर के हमारे सारे मुसलमान लीडर्स जो भी हैं इन पाटिलों के घर में गए थे, तो मैं यशवंतराय गौड़ा पाटिल के मुंह से सुना हूँ, एबी पाटिल साहब के मुंह से सुना हूँ, अपाजी नारगौड़ा के मुंह से सुना हूँ, फिर बाद में शिवानंद पाटिल के मुंह से सुना कि तुम्हें ये प्रेसिडेंट क्यों चाहिए, तुम्हें टिकट दिया गया है, तुम्हें एमएलए दिया गया है। वो टिकट नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि आपको एक एमएलए दिया गया है। तो मैं तब भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ, ये लोग सिर्फ टिकट दे सकते हैं, ये टिकट देना भी पाटिलों के हाथ में नहीं है। हाँ, एक एमबी पाटिल के हाथ में होगा, मैं एग्री करता हूँ, बाकी लोगों का जो है थोड़ा बहुत रोल रहेगा, लेकिन ये लोग सिर्फ टिकट देते हैं, उनको चुन के लाना, उनको वोट करना, ये हमारी आवाम का काम है, ये वोटर्स का काम है। तो ये गलतफहमी जो इस पार्टी में या इन पार्टियों में आ गई है, तो इसे हमें इनका आईना दिखाना होगा, इनको इस झूठ से जो है इनको साफ करना होगा और बताना होगा कि आप सिर्फ टिकट दे सकते हैं इलेक्शन में कंटेस्ट करके, वो जो भी मेहनत करना है वो कैंडिडेट करता है और उसे चुन के लाने के लिए वोटर्स करते हैं। लेकिन मैं इससे पहले भी बोला था कि ये सातों कॉन्स्टिट्यूएंसी, आठों कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी ये हैं इलेक्टेड बॉडी हैं, आप यकीन मानिए ये कोई भी एमएलए नहीं बन सकता जब तक मुसलमान उन्हें हाथ नहीं लगाए। तो इनको ये भी याद रहना रखना होगा कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है नहीं, इनको जो वोट करते हैं, इनको जो चुन कर लाते हैं, वो हमारे मुसलमान वोटर्स हैं। ये लोग जो है इलेक्शन के नजदीक जो है मुसलमानों के लिए बहुत तारीफें करते हैं, इनके लिए बहुत सारे काम करते हैं, 5 साल जो है नहीं मुसलमानों को बहुत नजरअंदाज करते। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर जाके देखेंगे तो इनको डिसाइडर वोट जो है नहीं मुस्लिम वोट्स हैं। तो मुसलमानों की जो ताकत है मुसलमानों को समझना होगा, उसके बाद में जो ये लोग गलत अफवाहें जो फैलाते हैं, मैं इनको टिकट दिया, मैं अब्बा इसे टिकट दे, हम इनको चुन को लाए, ये इन्हों क्या भी नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने बिजी होते हैं, बीजापुर में जो है हम ही लड़ते हैं, हम ही जो है उनके लिए मेहनत करते हैं हमारे कैंडिडेट के लिए। लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले कौन ही कर बोले तो बीजापुर के मुस्लिम लीडर्स रहते हैं। बीजापुर के हर वो लीडर जो छोटा है या बड़ा है उन्हीं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता, वो बबेश्वर में बोलो, वो इंडी में बोलो, वो सिंधगी में बोलो, भागेड़ी में बोलो, वो तालीगोट में बोलो, कहां भी कोई बोलो, हम ही जाते हैं, हम ही जाकर उनके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन उनके लीडर्स जो है उन्होंने अपने इलेक्शन में बिजी होते हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन का देखते हैं, हमारा कुछ भी नहीं देखते। तो ये आने वाले दिनों में अगर ये तरीके का रवैया रखेंगे मुसलमानों के साथ में, तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है हम फिर के डोर टू डोर जो है मैं इस चीज को मैं ऐलान कर दूं कि मुसलमानों के साथ में उन्होंने क्या नाइंसाफी करते हैं बीजापुर में, ये बता दूं। पिछले इलेक्शनों में कांग्रेस के रहबर दूसरे मुसलमान दावेदार जो दूसरे पार्टी से कॉन्टेस्ट करना चाहते थे, उनको सभी मुस्लिम लीडर बैठ के और रहबर बैठ के एक वोट एक मुसलमान को करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट को वोट किया गया है। इस बार भी वही मामला अगर पेश आया, आप इलेक्शन ठहरने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? नहीं, मुसलमानों का जो ठेका है वो कांग्रेस वालों ने नहीं लिया है, ये सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों मुसलमानों का वो, मैं बहुत बहुत जगह जो है बहुत लोगों को एक कहानी बोलता हूँ कि मुसलमानों ने अपना वजूद खो दिया है, मुसलमानों ने अपनी ताकत का जो है मुजाहरा करना छोड़ दिया, इसीलिए जो है इन पार्टियों वालों ने, पार्टी के लीडरों ने मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करने का जो ठेका उठाया है, ये हमारी गलती है।
और क्या सिर्फ एक ही पार्टी के लिए, मतलब हम लोग मुसलमान जो है उनके साथ में बॉन्ड नहीं करके लिए हैं, हम लोग जो है कोई एग्रीमेंट नहीं करके लिए हैं कि उनको ही वोट करेंगे। हाँ, पिछले इलेक्शन में जो है हम लोगों ने, मैं खुद भी जो है मुसलमानों को कौम के नाम पे जोड़ा हूँ, मुसलमानों को कौम के नाम पे वोट किया हूँ, मुसलमानों के लीडर्स को चुन के लाने में हम लोग मदद किए हैं। जिस तरीके से ये जो 10 साल 15 साल का अरसा गुजरा है, जिस तरीके की राजनीति बीजेपी वाले कर रहे हैं, उसका काउंटर कांग्रेस वाले कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे मसाइल में खड़े होना नहीं है, हमारे मसाइल में बोलना नहीं है, हमारे मसाइल में जो है नहीं, हमारे साथ में लड़ने में कुछ उनका योगदान नहीं है। तो इसलिए मैं, मेरा दिल इन चीजों से मेरा भर गया है और मैंने देख लिया है, सारे लीडर्स का चेहरा देख लिया है, सारे लीडर्स की ताकत देख ली है। तो मैं कांग्रेस के खिलाफ इस बार जिस तरीके का मैं इलेक्शन में कॉर्पोरेशन में ये किया हूँ, मैं वहीं छड़ा हूँ, इस इलेक्शन में भी मैं वही करूँगा। और जो रहबर हैं, जो कौम के लीडर्स हैं, जो उलमाए दीन हैं, इन लोगों को इस बार आने दीजिए मुझ तक, मैं उनसे सवाल करूँगा कि वो इलेक्शन के टिकट्स के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट के एक मैं इलेक्शन टिकट तुम्हारा करा के देता हूँ 25 लाख 50 लाख लेके, जिस तरीके से बैंगलोर दिल्ली घूमे हैं, तो इस बार आने दीजिए। और उनको पूछता हूँ कि उनसे, कांग्रेस वालों से उनका कितना मंथली आता है, वो कांग्रेस के एक एमएलए को जो है नहीं, सारे लोगों को जो है नहीं एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं, पीछे अंदर बैठ के ये उसका टिकट हुआ है उसे इलेक्शन न को करूँ उनके फॉलोअर्स को जो बोलते हैं, इस बार वो आने दो। आने के बाद में जिस तरीके से मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते, मेरे सवालों का अगर वो जवाब देंगे तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ में खड़ा रहूंगा, क्योंकि उनके पास वो अल्फाज नहीं है, उनके पास वो जबान नहीं है, जो चीजें वो किए हैं, वो जो सच हमारे सामने आया है उसके विरोध में जो है नहीं ये चीजें नहीं करेंगे। ये बार उन्होंने अपनी खुद की जो है नहीं अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कौन सा कौम का रहबर, कौन सा उलमाए दीन आके मुसलमानों को जो है नहीं कौम के नाम पे जो है नहीं जोड़ के वोट कराता है। मैं भी देखता हूँ, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ, जब यहाँ तक रसूल का मामला होता है तो ये कांग्रेस के लीडरों को आप जाके क्यों नहीं पूछते? अगर ये उसका जवाब देंगे तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ में खड़ा रहूंगा और मैं अपना विड्रॉ भी कर लूंगा इंशाल्लाह। ये सारी चीजें जो है ना इलेक्शन में याद आती है कौम को, कौम के लीडरों को, रहनुमाओं को। ये इलेक्शन के बाद में जो है अपने अपने धंधों में, अपने अपने जो टोपियां डालना है उसमें काम में बिजी होते हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कौन आता है मेरे तक इंशाल्लाह। आप यहाँ तक आए, अपनी बात कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।